और कोरिया वनमंडल ने एक सराहनीय पहल की है। यहाँ बांस यानी बेम्बू से तैयार कराई जा रही घरेलू साज सज्जा और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने का केंद्र स्थापित किया गया है। जल्द ही वनमंडल जिला मुख्यालय में दुकान खोलकर इन वस्तुओं का विक्रय करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ में जिले को एक नई पहचान मिलेगी। सोनत के एक छोटे से गाँव आनंदपुर नर्सरी में स्थानीय युवाओं ने मनमोहक साज सज्जा की वस्तुएं फ्लावर पॉट कुर्सी टेबल मोबाइल स्टैंड जैसी अनेक वस्तुएं बांस से तैयार की हैं, जो स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने में मददगार साबित हो रही हैं। अभी यहां 20 युवा काम कर रहे हैं, जो नेट के माध्यम से सीखकर बांस से अच्छी वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, जो मनमोहक हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जानेंगे कि यहाँ पर खास बात क्या है, किस तरीके से यहाँ पे घर की साज सज्जा और दैनिक उपयोग की वस्तुएं तैयार की जा रही हैं। यहाँ पर बांस से जो सामग्रियाँ बनाई जा रही है, यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, ताकि इनका रोजगार को बढ़ावा मिल सके। और बम्बू से हम लोग कई प्रकार के सामग्रियाँ, फर्नीचर, साज सज्जा, फ्लावर पार्ट वगैरह और डस्ट भी और छोटे छोटे आइटम का निर्माण कर रहे हैं। और उसको जल्द ही जल्द हम अभी इसी माह में दीपावली के पूर्व इसका दुकान खोल रहे हैं बैकुंठपुर में, और उससे बिक्री करेंगे। और स्थानीय तो कुछ सामान बनाए तो बिगड़ा भी, एक आध दो सामान तो डायरेक्ट उसी पर डायरेक्ट नहीं बना, उसके बाद भी आप डटे हाँ डटे रहे, प्रैक्टिस करते रहे, आज उससे सुधार होगा। अधिकारियों को हम लोग जो मंडलाधिकारी मतलब अधिकारियों का भी कुछ सपोर्ट रहता है। अधिकारियों का ये हमारे साथ तिवारी जी जो यहाँ पर की देख रेख करते हैं, और इस संस्था में लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, नेट के माध्यम हो चाहे अधिकारियों से संपर्क कर कार्य को अच्छे से अच्छा अंजाम दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय से एक दुकान खोलने जा रही है, और जल्द ही ये सब मार्केट में बहुत जल्द नजर आएंगे। स्वराज एक्सप्रेस न्यूज सोनत कोरिया।